देवास जिले में अधिकतर दवाई विक्रेताओं के पास फार्मा का लाइसेंस नहीं है और वे बेधड़क होकर मरीजों को दवाइयां बेच रहे हैं। इन दवा विक्रेताओं के पास केवल किराए का लाइसेंस है। देवास में ऐसे मेडिकल संचालित तो हो रहे हैं जहां लाइसेंस धारक कभी मौजूद ही नहीं रहता, जबकि ऐसी स्थिति में लाइसेंस निलंबित किए जाने की प्रक्रिया की जाती है। बावजूद इसके देवास प्रशासन मौन है और मेडिकल पर दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही है। जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हमेशा खाना पूर्ति की जाती रही है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि ऐसे मामलों में ADC को कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जब से मैं आया हूँ 23 लाइसेंस की जो है लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं ज़्यादा दिनों के लिए। ऐसा क्या त्रुटियां रही थी 23 लाइसेंस में? वो एक्चुअली अलग अलग थे। हमारे एक्ट के अनुसार हम निरीक्षण करते हैं, जैसे कहीं हमें जो रजिस्टर है निरीक्षण के दौरान इसमें एक प्रक्रिया होती है, निरीक्षण होता है पहले, फिर उसके बाद जो हमारे एक्ट में दिया गया है कि आप उनको पहले कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे, उससे उनका जवाब लेंगे, स्पष्टीकरण अपन मांगेंगे, स्पष्टीकरण अगर संतुष्ट नहीं होता है तो फिर उसके बाद उनको लाइसेंस सस्पेंशन आदि कार्रवाई की जाती है। कुछ मेजर केसेस जैसे रहते हैं, कई लाइसेंस कैंसिल भी हुए, ऐसा नहीं है। निरंतर हमारे द्वारा एक्चुअली पूरे ज़िले में मतलब ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट एक ही है, मैं ही निरीक्षण करता हूँ, तो अलग अलग जितनी भी तहसील्स हैं सब में मेरा दौरा रहता है, मैं जाता हूँ। और ऐसा नहीं कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में सस्पेंशन हुए हैं वो केवल देवास सिटी में हुए हैं, विजयगंज मंडी में भी हुए हैं, कन्नौज में भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि देवास में सारा काम अधिकारियों व मेडिकल संचालकों की सांठ गांठ से हो रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों व आम जनता को भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, देवास।